एक्सरसाइज में देखेंगे इस लेसन के, ठीक है। कह रहा है राइट फॉलोइंग इन फिगर्स, मतलब ये वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक, शब्दों में लिखा गया, इसको अंकों में लिखना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे 43,443, ठीक। क्या कह रहा है 43,000 हो गया 443, ठीक। ये हमने इसको लिख दिया, अब इसको एक बार गिन के चेक करेंगे वंस टेंस पे रख के कि सही लिखेंगे नहीं हम। देखिए वंस है, टेंस है, 100,000, 10,000, ठीक। एक बार पढ़ के देखिए 43,433, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बी नंबर, 10,40,321, ठीक। आगे हमको क्या लिखना है, राइट फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए बी नंबर क्वेश्चन है आपका, ये है 10,40,321, ठीक। तो इसको लिखेंगे, 10 करोड़ हो गया हमारा, ठीक। कह रहा है कि 40,000 ये हमारा लाख गायब है, ठीक है। तो जब कोई संख्या गायब होता है तो क्या गायब है, हमारा 10 लाख गायब है और लाख गायब है, ठीक। 10 लाख भी गायब है और लाख भी गायब है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया, ठीक। अब हम क्या लिख देंगे, 40,321, ठीक। तो ये हमारा 40,321, ठीक, ये हमने लिख दिया क्या, 10,40,321। एक बार गिन के देखेंगे, 1, 10, 100,000, 10,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, ठीक। ओके चलिए 3 क्वेश्चन और हैं, इसको आप होमवर्क के तौर पर नोट करिएगा, सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन इसको करके आप लोग ऐप पे फोटो क्लिक करके डाल देंगे, ठीक है। हम लोग को सीखना है कि आप प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक। तो अगर कोई यहाँ पर लिख दिया गया है नंबर, ठीक, तो कह रहा है कि इसमें से किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो डिजिट कौन से प्लेस पे है, ठीक। तो जिस प्लेस पे रहेगा उस डिजिट में उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, उसका प्लेस वैल्यू होगा, ठीक। जैसे हमारा ये 6 पे, 6 यहाँ पे है, 1, 10, 100,000, 10,000, ठीक। 6 हमारा 10,000 पे है, तो 6 का मल्टीप्लाई हम 10,000 से कर लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका प्लेस वैल्यू निकलेगा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 60,000, ठीक। इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया हमारा, 60,000, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, उसके नीचे जी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है, उसको अंडरलाइन किया गया है, आप लोग इसको नोट करेंगे, इसको करेंगे, ठीक। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ नंबर में क्या कर रहा है, 70,664, ठीक। इसमें हमको 0 का प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इसको देखते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000, ठीक। ये हमारा 1,000 प्लेस पे है 0, ठीक। तो 0 का मल्टीप्लीकेशन किसे करेंगे, 1,000 से करेंगे, ठीक। तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक। चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करना है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ देयर प्लेस वैल्यू, ठीक। यहाँ पे आप लोगों के बोर्ड पे सामने क्या लिखा गया है, नंबर्स लिख दिया गया है, ठीक, न्यूमरल्स। अब इसको हमको एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक। ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हमको एक्सपेंड करना है, ठीक। तो एक्सपेंड फॉर्म में कैसे करते हैं, देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे 1, 10, 100,000, 10,000, ठीक। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे इधर लास्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे लेफ्ट साइड से, ठीक। तो हमारा क्या है, 4, किस प्लेस पे है, 10,000। तो क्या 4 × 10,000, ठीक, प्लस 8 हमारा 1,000 प्लस पे, ठीक। 8 × 1,000, ठीक, प्लस 4 हमारा 100 प्लस पे है, ठीक। 4 × 100, ठीक। 3 हमारा 10 प्लस पे है, 3 × 10, 2 हमारा 1 प्लस पे है, 2 × 1, ठीक।
तो जो वहाँ पे नंबर लिखा गया 48,432 उसको हमने एक्सपेंडर फॉर्म में यहाँ पे कर दिया। ठीक, एक और क्वेश्चन आप डी नंबर देखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, ये हो गया लाख, 10 लाख करोड़। ठीक, क्या है 2,43,38,400। ठीक, इसको एक्सपेंड करना है हमको। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से 2 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 1 करोड़ से करेंगे, 2 इंटू 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस 4 × 10 लाख, 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, टेन लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, वैसे ही 3 का मल्टीप्लाई 1 लाख से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 लाख से कर दिया। ठीक, उसके बाद है हमारा फिर 3 है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 10,000 से कर दिया हम, प्लस 8 है हमारा, 8 का मल्टीप्लाई 1000 प्लस पे 1000 से कर दिए, प्लस 4 है हमारा 100 प्लस पे, तो 4 का मल्टीप्लाई 100 से कर दिए। ठीक, 0 है हमारा 10 प्लस पे, तो 0 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, और फिर 0 हमारा 1 प्लस है, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो 0 × 10 0 हो जाएगा, 0 × 0 0 हो जाएगा, तो इसको 0 0 भी लिख सकते हैं, या ऐसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को आप लोग करेंगे होमवर्क के तौर पे। ठीक है, चलिए आगे आप चलते हैं।